एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। शहर में चल रहे 100 से ज्यादा अवैध शराब के खुर्दों पर पुलिस ने की कार्रवाई। 70वें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां हुई पूरी, उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किया गया जिला युवा संसद महोत्सव का आयोजन। महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। एसपी सुमित कुमार ने साइबर क्राइम से बचने के लिए जनता से की अपील। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। शहर में अवैध तरीके से शराब के खुर्दों पर पानीपत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लगभग 2 महीनों के भीतर पानीपत पुलिस ने 100 से ज्यादा अवैध तरीके से चल रहे शराब के खुर्दों पर रेड कर कार्रवाई की। पानीपत शहर में काफी भारी संख्या में अवैध तरीके से शराब के खुर्दे चल रहे हैं, जिस पर पानीपत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पानीपत पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा अवैध तरीके से चल रहे शराब के खुर्दे पर छापा मारकर कार्रवाई की गई है। खुर्दों के लेके पिछले 2 महीने में 100 से ज्यादा खुर्दों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है और जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन जो ऑफिसर्स हैं उनके पास पुलिस ने पेश किया है। मैं आपको बड़ा क्लियर कर बता दूँ कि पहले पुलिस एक्साइज के केसेज में अवैध खुर्दे केसेज में एक्साइज के सेक्शन के तहत एफ आई दर्ज करती थी और माननीय न्यायाधीश को पेश करती थी और जहाँ से पुलिस उसको सजा भी कराने के प्रयास करती थी और जुर्माना लगता था। अब पॉलिसी ये है कि जो भी ऐसा अवैध शराब का खुर्दा पकड़ जाएगा तो उसको DTC के पास पेश करना होगा। DTC के पास उसमें चलान की पावर है, जो कि चलान की पावर ऑब्वियसली जुर्माने के तौर पर की जाती है, जिसमें 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की उनकी पावर है कि कितना उसमें जुर्माना लगा सकते हैं। तो मैं बात क्लियर कर बता दूँ कि जितनी पुलिस ने कार्रवाई की इतनी कार्रवाई से पहले नहीं है। भी पुलिस का मुख्य काम इसमें जो भी अवैध खुर्दा पता लगता है हम इमीडिएटली अपने सूत्रों से पता लगाते हैं, उसको बंद करा के उसके जो भी शराब वहाँ पे कन्फिस्केट होती है उसको DTC के सामने पेश करते हैं। अब DTC एक्साइज विभाग के साथ मेरी एक डिटेल मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि इनको मैक्सिमम इनके ऊपर चालान किया जाएगा और इसके अलावा जिन ठेकों के से शराब इन पे आ रही है या जिन एल्बन से इन खुद भी शराब आ रही है उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेंगे। एल्बन रिटेल में शराब नहीं बेच सकता, अगर किसी खुर्दे से रिटेल में शराब कहीं और से खरीद ला कर बेच रहा है या कोई एक ठेका भले वो सरकारी हो किसी दूसरे एरिया में जिसमें ज्यूरिडिक्शन नहीं है वहाँ पे खुर्दा खोल के बैठा है तो उनके मालिकों के खिलाफ भी हम कार्रवाई बनाएंगे। अब तक खुर्दा ऑपरेट करने वालों की कार्रवाई होती रही है लेकिन अब अपने DTC का मीटिंग ने ये डिसाइड किया है कि जो भी प्रेपरेटर ऑफ क्राइम इन द सेंस जो पीछे से शराब सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पूरे देश में 70वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पानीपत में भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने शिवाजी स्टेडियम में जाकर गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल का जायजा लिया। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पानीपत में 70वें गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पानीपत में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह शिवाजी स्टेडियम में मनाया जाएगा। 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ज्ञानचंद गुप्ता पानीपत में ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने फाइनल रिहर्सल का जायजा लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में 10 विद्यालय और संस्थान रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे जो भारतीय संस्कृति को दर्शाएंगी।
खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जिला युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। पानीपत के 32 कॉलेजों में से 77 युवाओं का युवा संसद में चुनाव हुआ। खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जिला युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। इस युवा संसद में भाग लेने के लिए दो तरह की चयन प्रक्रिया अपनाई गई। डिजिटल प्रक्रिया के लिए प्रतिभागियों को वेबसाइट पर 12 से 18 जनवरी तक 90 से 120 सेकंड तक अपना वीडियो अपलोड किया गया। इसके आधार पर 27 युवाओं का चयन किया गया है। वॉक इन प्रक्रिया जिसका आयोजन 17 से 19 जनवरी तक हुआ, इसमें एसडी कॉलेज की कमेटी के समक्ष अपनी प्रेजेंटेशन दी, जिस आधार पर 50 प्रतिभागियों का चयन किया गया। दोनों माध्यमों से कुल 77 प्रतिभागियों को चुना गया। आज इन सभी 77 प्रतिभागियों ने सामाजिक मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर विचार व्यक्त किए। यहाँ एसटी कॉलेज के परिसर में लगभग 13 कॉलेजेस के छात्र छात्राएं एकत्रित हुए हैं। युवा संसद का आयोजन किया गया है, वो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किया गया है। चार विषय दिए गए हैं जिसमें आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस मुख्य विषय हैं। और जिस प्रकार से उनका चयन किया गया है तो ये एक मंथन की प्रक्रिया के बाद उनकी परफॉर्मेंस को देख करके कैसे वो प्रेजेंट करते हैं अपने टॉपिक को, उस आधार पे चयन किया गया है 27 प्रतिभागियों का। मुझे भी 5-6 प्रतिभागियों को सुनने का मौका मिला और ये बहुत ही इम्प्रेसिव कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हमारा ये है कि जो युवा है वह अपने विचारों को दुनिया के सामने रखे, ताकि हमारे देश की जो समस्याएं हैं, आतंकवाद की समस्याएं, गरीबी की समस्याएं, अशिक्षित वर्ग, और इनको खत्म करने में अपना योगदान दे सके। हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, इसको हम समाप्त कर सकें, और हमारा जो युवा वर्ग है जो आगे बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाने में हमारे जो कार्यक्रम है उसका लक्ष्य है। और इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करें, अपने भारत को आगे बढ़ाएं। मैंने जो है अपने विचार खेलो इंडिया पे, क्योंकि खेल जो है हमारे शरीर का, मानसिक और विभिन्न प्रकार के विकास का प्रतीक है, इसलिए आज हमने खेलों के ऊपर अपने सुझावों को प्रस्तुत किया और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है स्वस्थ हो और स्वच्छ भी हो, साथ साथ खेलों में भी अपनी रुचि को बढ़ाए। देखिए, इसमें हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमारे जो यूथ है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे समाज में, तो यूथ हमारा कितना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके अवेयर है, इसको हमारे समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं, यूथ इसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको दर्शाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. मालखा हतवाला रोड स्थित महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कविताओं के माध्यम से नेताजी के जीवन परिचय को दर्शाया। महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में आजाद हिंद फौज के संस्थापक व भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा ने कहा, नेताजी की भारत माता के प्रति सच्ची निष्ठा थी, ऐसी भारत माता के वीर सपूत को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नेताजी त्याग, समर्पण व सहयोग की परिमूर्ति थे। उन्होंने सदैव भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराने की सोची। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी कविताओं के माध्यम से नेताजी के जीवन परिचय को दर्शाया। आज महाराजेश्वरी पब्लिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमे विद्यालय के हेड बॉय अमन और हेड गर्ल मनीषा ने सर्वप्रथम पुष्पों से उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें
विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके कार्यों के बारे में बताया गया। विद्यालय के शिक्षकों और विद्यालय कमेटी की ओर से मैं आपको इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ और नेताजी को शत शत नमन करती हूँ उनके कार्यों के लिए, उनके देश के लिए किए गए योगदान के लिए। देश में प्रतिदिन हजारों लोग साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं और लोगों के बैंक के खातों से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। इसी को लेकर आज पानीपत के एसपी सुमित कुमार ने इन वारदातों से बचने के लिए जनता को सलाह दी। एटीएम की जो घटना है, एटीएम की घटनाओं को एंटायरली साइबर क्राइम का नाम नहीं दे सकते। एटीएम की दो तरह की घटनाएं शहर में हो रही है। एक तो ये है कि यही लोकल कुछ क्रिमिनल हैं जो कि एटीएम पे किसी भी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते हैं जिसको ऑब्वियसली कम पढ़ा लिखा है या एटीएम यूज करने के उसको कम ज्ञान है, उसको मदद के बहाने से उसका एटीएम कार्ड बदल देते हैं। बाद में इसी दौरान जब वो पिन वगैरह एंटर कर रहा होता है पीछे खड़े होकर तो पिन वगैरह नोट कर लेते हैं। दूसरा ये है कि मोबाइल से आप एटीएम की डिटेल हासिल कर लेते हैं, उससे फिर मनी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं जो कि आपकी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। दोनों तरफ के केसेज में पहली बात तो ये कि इनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर पहले चैलेंज रहा है कि घटना यहाँ पर हुई है, पैसे क्यों निकले हैं। पानीपत पुलिस के द्वारा एक बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन लिया गया है कि जो भी कंप्लेंट पुलिस के पास आएगी इररिस्पेक्टिव ड्यूरेक्शन पैसे कहाँ से निकले या अगर बैंक कहाँ पे है, हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो हम इमीडिएटली उसका यहाँ पे केस रजिस्टर करें ताकि जिस विक्टिम के साथ है उसको कहीं भी इस विषय में भागना ना पड़े कि पैसे पंजाब से निकले हैं, राजस्थान से निकले हैं। तो जो ये एक विषय था उसको इमीडिएटली हैंडल किया गया है कि जैसे ही कंप्लेंट आएगी उस पर इमीडिएटली थाना लेवल के ऊपर ही एफ आई आर दर्ज की जाएगी। नंबर दो, जो एटीएम स्वैप करने वाले केसेस हैं इसमें पहले भी पुलिस को सफलताएं मिलती रही है। इससे पहले मेरे यहाँ ट्रांसफर के बाद भी दो अलग अलग गैंग पकड़े गए हैं जिन लोगों ने ऐसे वारदातों में अपने कंट्रोल माना था और उनसे अपने करीब 4 से 5 केस पानीपत के सुलझाए थे। बाकी केस के 17-18 केस जो थे वो अन्य जिलों के और अन्य राज्यों के थे जिनको उनसे सूचना दे दी थी। टेलीफोन के ऊपर डिटेल प्राप्त करके उसके साथ ठगी की जाती है। उसमें मैं आपके माध्यम से जन साधारण से यही पूछ रहा हूँ कि अपने किसी भी हालत में अपने एटीएम की डिटेल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर जब ओटीपी और पासवर्ड की बात आती है, कोई भी बैंक कभी भी आपका पासवर्ड नहीं पूछता। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक के नाम से झूठा फॉर्म करके आपसे आपका पासवर्ड जानना चाह रहा है या वन टाइम जो आपके पास पासवर्ड आ रहा है जिसको ओटीपी बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड जो आ रहा है उसके लिए जानकारी लेना चाह रहा है तो मान के चलिए ये फ्रॉड किया जा रहा है। पुलिस इन तरह के केसेस में सक्रिय है और काम कर रही है और गिर्तार। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बे का डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों दांत सर्जरी डिलीवरी फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डायगन, ऑथराइज्ड डीलर, ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व जीटी रोड संभाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।